पश्चिमी जोन पीएसी की अंतरवाहिनी शूटिंग प्रतियोगिता का सोमवार को मतलबपुर फायरिंग रेंज में भव्य आगाज हुआ। 4 दिवसीय प्रतियोगिता का डीआईजी शलभ माथुर ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 4 दिन तक शूटिंग की अलग अलग प्रतिस्पर्धा में पीएसी के करीब 350 जवान हिस्सा लेंगे। सोमवार को मतलबपुर फायरिंग रेंज में सुबह से पीएसी जवानों की सक्रियता नजर आने लगी थी। मौका था पश्चिमी जोन पीएसी की अंतरवाहिनी अलार्म एफिशिएंसी रेस और राइफल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का। 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद की मेजबानी में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीआईजी शलभ माथुर ने किया। सबसे पहले डीसीजी का स्वागत किया गया। इसके बाद खिलाड़ियों ने अपनी टीम के झंडे के साथ मार्च फास्ट किया। बाद में डीआईजी शलभ माथुर और 23वीं वाहिनी पीएसी की कमांड शालिनी ने गुब्बारे उड़ाए। पहले दिन अलार्म एफिशिएंसी रेस और फाइनल शूटिंग की प्रतियोगिता हुई। बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में अलग अलग दिन शूटिंग की अलग अलग प्रतिस्पर्धा होगी। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी जोन पीएसी से संबद्ध बीएसई के सभी 14 वाहिनी के करीब 350 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का समापन 18 नवंबर को 23वीं वाहिनी पीएसी मुख्यालय पर होगा, जिसमें आईजी पीएसी अमित चंद्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। सोमवार को शुभारंभ अवसर पर सहायक सेना नायक देवेंद्र कुमार और उप सेना नायक ओम प्रकाश पांडे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बहुत सुंदर सड़क से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए पश्चिमी जोन